क्रिप्टो फैंस, वेलकम टू बिटकॉइन बटालियन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम स्केल टोकन को स्टैक करके रिवार्ड अर्न कर सकते हैं, यानी फ्री में स्केल टोकन हम अर्न कर सकते हैं अपने टोकन को होल्ड करके सिंपली। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपली ये समझाऊँ कि स्केल प्रोटोकॉल क्या है, तो ये एक इलास्टिक ब्लॉकचेन है जो कि इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है। और जहाँ पर आप अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो वहाँ पे आपका खुद का एक सेपरेट ब्लॉकचेन होगा, और उस ब्लॉकचेन के अंदर जो आप डैप बनाओगे और आपके जो यूजर्स होंगे, उनको कोई भी गैस फी देना नहीं पड़ेगा आपके डैप्स को यूज़ करने के लिए, यानी कि जीरो फी आपके यूजर को लगेगा। दैट्स व्हाई बिलियंस ऑफ यूजर कैन यूज योर एप्लीकेशन, एंड दिस इज द वे हाउ स्केल हेल्पिंग एवरीवन टू स्केल देयर डैप्स, राइट। अगर आप अभी इथेरियम ब्लॉकचेन को देखोगे, तो इथेरियम ब्लॉकचेन एकदम भी स्केलेबल नहीं है। अगर आप कोई डैप यहाँ पे बनाते हो, तो वो इजीली क्रैश कर सकता है अगर अचानक से बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं तो। लेकिन स्केल ब्लॉकचेन ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, और गैस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। एंड अगर आप अभी देखोगे कि स्टैकिंग क्या होता है, जो लोग को पता है उनको तो पता है, लेकिन जो लोग को नहीं पता कि स्टैकिंग क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि स्टैकिंग इज द प्रोसेस जहां पर आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शन वैलिडेट करोगे जो कि प्रूफ ऑफ स्टैक ब्लॉकचेन होते हैं उनके अंदर, जैसे कि स्केल ब्लॉकचेन एक प्रूफ ऑफ स्टैक ब्लॉकचेन है। तो उसमें क्या करोगे कि जितने भी मिनिमम अमाउंट का स्केल आपके पास है, उसको आप होल्ड करके ट्रांजैक्शन वैलिडेट करोगे, यानी कि नेटवर्क में पार्टिसिपेट करोगे, और उसमें से आपको मिलेंगे कुछ रिवार्ड ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि स्केल को कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टैक करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ थियोरिटिकली मैं बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। जो पहला स्टेप्स अपना रहेगा, हमको पहले कुछ स्केल टोकन चाहिए होगा स्टैकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर हमको क्या करना है, एक स्केल का जो स्टैकिंग डैशबोर्ड रहता है उसके अंदर लॉगिन करना है। उसके बाद अपना जो वॉलेट रहता है मेटामास्क, उसको कनेक्ट करना है। तो आपका जो स्केल टोकन है वो बेसिकली मेटामास्क में होल्ड किया जाना चाहिए। फिर स्टेप फोर में हमको एक वैलिडेटर सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हम अपने जो टोकन है स्टेक करेंगे। फिर कुछ फॉर्म रहता है जिसको हम फिलअप करेंगे वहाँ पे, और फिर स्टेप सेवन में हम डेलीगेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे। तो पहले कुछ स्केल टोकन चाहिए होगा स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी स्केल के टोकन हैं, तो आप थोड़ा इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्केल टोकन नहीं है, तो आप थोड़ा सा स्केल टोकन यूनिस्वैप से बाय कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता कि यूनिस्वैप में कैसे बाय करते हैं, तो ये स्टेप्स आप देख सकते हो। तो पहले आपको विजिट करना पड़ेगा यूनिस्वैप का वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फिर जाके वहाँ पे आपको आपका वॉलेट जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास है मेटामास्क, तो मैं इसको अभी कनेक्ट किया। फिर वो पूछ रहा है कि कौन सा वाला अकाउंट कनेक्ट करना है, मेरा सेकेंड वाला। तो फिर मैंने उसको किया कनेक्ट, अभी कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो शॉपिंग का जो डैशबोर्ड रहता है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितने अमाउंट का स्केल खरीदना है। तो मैं यहाँ पे लगभग $100 का स्केल खरीदूंगा।
सो यहाँ पे भी बता रहा है कि लिक्विडिटी यहाँ पे खत्म है, तो आपको वर्जन 2 में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिंपली आप चले जाओगे वर्जन 2 में। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि अगर आप इतने अमाउंट का खरीद रहे हो स्केल, तो आपको कितना स्केल मिलेगा। ठीक है, तो फिर स्वैप में करें क्लिक। फिर अगर आपको कैलकुलेशंस डिटेल्स में देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर कंफर्म के अंदर आप करोगे क्लिक, जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन में एक मैसेज आएगा जिसको आपको करना पड़ेगा कंफर्म। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना लगेगा गैस फी, कितना टोटल अमाउंट का आपका खर्च होगा, वो सारा आपको यहाँ पे दिखाएगा। और आप जब एक बार कंफर्म में क्लिक करोगे फिर ट्रांजैक्शन हो जाएगा सबमिट और यहाँ पे पेंडिंग में चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा कट कर दूंगा। तभी हमारा स्वैप जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आप यहाँ पे आपका जो बैलेंस है देख सकते हो, और यहाँ पर इथेरियम के जो इथरस्कैन पे जाके आपके जो ट्रांजैक्शन है उसको आप देख सकते हो। तो अगर आपको आपके मेटामास्क के अंदर आपका जो टोकन्स है यहाँ पे अगर शो नहीं कर रहा है, तो आप सिंपली ऐड टोकन में क्लिक करोगे और वहाँ पे जाके स्केल सर्च करोगे स्केल। फिर स्केल को यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको आपका बैलेंस दिखाएगा, फिर ऐड टोकन करोगे। ठीक है, तो ये होने के बाद आप यहाँ पे स्केल के जो बैलेंस है आप देख सकते हो। तो अभी हमारे पास स्केल टोकन आ गया है, फिर हम चलेंगे स्टैकिंग डैशबोर्ड में। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे स्टैकिंग डैशबोर्ड में, और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली लिखा है स्टार्ट स्टैकिंग स्केल, और सिंपली आपको यहाँ पर ही क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जाके आप जितने भी वैलिडेटर्स हैं उनका लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर ये जो लिस्ट है इसके अंदर से किसी एक वैलिडेटर के साथ आप जुड़ सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा आपका वॉलेट कनेक्ट जिस पर आपने स्केल होल्ड किया हुआ है। फिर एक बार जब वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको किसी एक वैलिडेटर को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको ये वाला टर्म एंड कंडीशन पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे आपका जो स्केल है अवेलेबल स्केल यहाँ पे दिखाएगा कितना स्केल आपके पास है, और उसमें से कितना आप यहाँ पे स्टैक करना चाहते हो, ये वाला फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है, जहाँ पे आप 100%, मैं तो 100% ही रखूँगा। फिर यहाँ पे दिखाएगा कि कितने मंथ के लिए आप स्टैक करना चाहते हो, तो यहाँ पे 2, 3, 6, 12, तो डेफिनेटली मैं 12 पर क्लिक करूँगा जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 अवेलेबल है, तो मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ। फिर टर्म एंड कंडीशन पे फिर से टिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक। फिर यहाँ पर जो डेलीगेट का बटन आता है अभी इसमें डेलीगेट कर लो। और ध्यान रहे आपके मेटामास्क के अंदर थोड़ा सा इथेरियम होना चाहिए, क्योंकि आपको एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा इस वैलिडेटर के अंदर आपको स्टेक करने के लिए, तो थोड़ा सा गैस रहना चाहिए आपके वॉलेट के अंदर। फिर आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट, क्योंकि आपको पता है इथेरियम ब्लॉकचेन बहुत ही स्लो है। तो वंस ये डेलीगेट हो गया तो आपको नोटिफाई यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा कट कर लूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है अप टू 10 मिनट, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अभी आप देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुका है, और जिसको आप अगर चाहो तो एक्सप्लोरर में जाके देख सकते हो जो कि सक्सेसफुल दिखा रहा है, और या फिर आप इसको क्लोज कर सकते हो। एंड
अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका दिखाएगा कि कितना अभी लॉग्ड है, कितना पेंडिंग है, कितना स्टेकिंग चल रहा है, कितना आपका जो अनक्लेम्ड रिवार्ड है, और यहाँ पर ही आके आप अपना जो रिवार्ड है आप क्लेम करोगे। ठीक है, तो ये था वीडियो स्केल के स्टैकिंग के बारे में। अगर आपका कहीं पे डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, और फिर अगर आप किसी और कॉइन के बारे में जानना चाहते हो, उसके स्टैकिंग के बारे में जानना चाहते हो, और फिर प्रैक्टिकली उसको आप देखना चाहते हो कि कैसे स्टैकिंग किया जाता है, तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।